तो यार आज की इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग ऑनलाइन अपने वैक्सीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट कर सकते हैं DHA यानी कि दुआ की जो एप्लीकेशन है। जो बंदे दुबई में रहते हैं उनको पता होगा कि DHA का मतलब क्या है, यानी कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी। उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके जो है वैक्सीन कार्ड के लिए। अगर आपको अलहसन का कार्ड चाहिए, अलहसन यानी कि जिस तरह का अलहसन है आपके अंदर जो है कार्ड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है वैक्सीन का, उस तरह का चाहिए उस तरह का मिलेगा, दूसरा चाहिए तो दूसरा भी मिलेगा। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको मैं समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ तरीका का कि कैसे आपने अप्लाई करना है, कैसे कैसे आपने जो है इसको डिटेल के साथ लिखना है, क्या क्या लिखना है वहां पर, सब कुछ आपको डिटेल में आपके आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। वीडियो की तरफ जाने से पहले जो बंदे न्यू है, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, पहली बार मेरा चेहरा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी इस तरह की नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये सारा सिस्टम जो है मैं आपको अपने लैपटॉप में करके दिखाने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल में करना चाहते हैं तो मोबाइल में आपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करते ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट जो है सिलेक्ट कर लेनी है। बाकी जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चेक करते हैं कैसे हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दीजिएगा, चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, हम लोग लैपटॉप में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे मेरी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है यू कैन रिक्वेस्ट योर वैक्सीन कार्ड ऑनलाइन क्लिक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप DHA की जो वेबसाइट है उसके फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे। दुहा का जो फॉर्म है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का जो फॉर्म है, वहाँ पे आप आ जाएंगे। तो इस फॉर्म को आपने फिल करना है। मैं तरीका वगैरह आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, कैसे क्या क्या आपने लिखना है, कैसे कैसे इसको फिल करना है। उसके बाद आपने फिल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद जो है आपके ईमेल के ऊपर जो है आपका कार्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने यहाँ पर देखें फुल नेम लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको फुल नेम अपने ईमेल आईडी का जो फुल नेम है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉन्टैक्ट नंबर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है 5658 50 जो भी आपने सेलेक्ट करके उसके बाद आगे वो जो है मोबाइल नंबर लिख लेना है। जैसे मेरा जो है मोबाइल है 054050, उसके बाद यहाँ पर मैं इस तरह से आगे लिख लेता हूँ, तो ठीक है। इस तरह से आपने भी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे अगर आपके पास एमरस आईडी है वैलिड है तो आपने क्या करना है, यस लिख लेना है। अगर आपके पास नहीं है, वैलिड नहीं है आपकी एमरस आईडी, तो आपने नो कर देना है। और अगर आपके पास है तो मैं यस करके यहाँ पर एमरस आईडी का नंबर जो है वो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपके आपको पासपोर्ट नंबर मिल जाता है ऑप्शन, ये आपने करना है कि यहाँ पर आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर होता है, वो नंबर आपने यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद आके आपको ऑप्शन मिल जाता है MRN नंबर का, इसको आपने छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है नेशनलिटी का, जो भी आपकी नेशनलिटी है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जो भी है आपने वो यहाँ पर लिख लेनी है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है जर्नल का, आप फीमेल है तो फीमेल, मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है, किस डेट में आप पैदा हुए थे वो डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद अपना ईमेल लिख लेना है, वो ईमेल लिखना है जो आपका चल रहा हो, ठीक है, वो ईमेल आपने यहाँ पर लिख लेना है। उस ईमेल के ऊपर ही आपका जो कार्ड आएगा। उसके बाद आगे आपको ऑप्शन मिल जाता है COVID-19 वैक्सीन सेंटर, किस वैक्सीन सेंटर में आपने जो है जो वैक्सीन लगवाई थी वो वैक्सीन सेंटर आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप दुबई से बाहर लगाई थी तो यहाँ पर आपने आउटसाइड यूएई सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है जी सर्टिफिकेट टाइप, आपको सर्टिफिकेट किस तरह का चाहिए, अलहसन ऐप का चाहिए या दुआ का चाहिए, जो आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने लिख लेना है, इन केस आपने लिखना है कि जी मुझे इस तरह का मुझे वेबसाइट नहीं, इस तरह मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने वैक्सीन लगाई थी इतनी डेट को लगाई थी, मुझे सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला, वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपने करना है यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर जाकर आपने जो वैक्सीन लगाई थी उसकी फोटो बनाकर यहाँ पर अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, IM NOT रिपोर्ट को टिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, इतना सा काम करना है। उसके बाद आपने वेट कर लेना है, एक दिन 24 आवर्स के बाद आपको ईमेल आ जाएगी, उसकी ईमेल में पूरी डिटेल के साथ आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ लगी होगी, अगर किसी को समझ नहीं लगी वो मुझे कमेंट्स कर सकता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम है वहाँ पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।